वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बड़ा दुखांत पंजाब ने पिछले लंबे समय तो चलिया, किड्डी माड़ी त्रासदी हो गई है पंजाब दे सिख कौम दे विच। इन्हां दोस्तां वालों दिन ब दिन नवे दिन इदां दीआं घटनावां नूं अंजाम दित्ता जांदा है, ते असीं कोसदे रहिंदे आ सड़कां ते बैठ के इन्हां सरकारां दे तरले कढ़दे आ कि बेअदबी है, पंजाब दे लोकां दा दर्द है। अज तां बहुत वड्डी नीच हरकत हो गई है कि साडे उन्हां इतिहासिक गुरु धामां दे अंदर दोस्तां वालों बूटां दे विच जाके जिथे कि असीं इक नंगा सिर नहीं लैके जा सकते, उस पापी वालों बूट पा के दरबार साहब दे अंदर वड़िया जांदा ते ग्रंथी सिंह दे उत्ते हमला कीता जांदा ते गुरु साहब नूं ठेस पहुंचाई जांदी है, सरूपां नूं ठेस पहुंचाई जांदी उन्हां दे। सो इत्थे प्रशासन का रोल की रहना है? उन्होंने तो कह देना कि पागल बंदा, पागल गुरु घर के अंदर ही क्यों आउंदे आ? असी पिछले लंबे समय तो इस दर्द के नाल विलक रहे हां, तरले कर रहे हां, मोर्चा भी पिछले डेढ़ साल तो इस गल दे लई चल रहा कि बेअदबियों के उत्ते कानून बनाए जाण, इन्हां बेअदबी करन वालियां नूं सख्त सजावां दित्तियां जाण। जे 2015 दे विच जदों बेअदबी हुंदी है उहदे विच इन्हां दोषियों ते सख्त कार्रवाई की जाती, ताजा दिन देखना पैंदा, मजबूरन लोगों नूं स्टेप चकने पैंदे आ, मजबूरन लोगों नूं उन्हां नूं सोधा रौना पैंदा जो कोई बेअदबी करदा ते बाद दे विच इत्थों दे तंत्र वालों इत्थों दे सिस्टम वालों उन्हां नूं पागल कह के बाहर कढ दित्ता जांदा। सो सिख कौम नूं हथ जोड़ के बेनती है, निम्रता सहित बेनती है कि साडे ही कुछ लोग जदों फेसबुक ते इस तरह की गल करते हैं, ये राजनीति करते हैं, ये पैसा बनाते हैं, वह लानता थोड़े ते, तुसी गुरु के नाम के उत्ते गल करन दे उत्ते पैसे की गल करते हो। जिहड़े दो सरकारां बना गए उन्होंने कख नहीं किया, जे आम लोग पंजाब के लोग उहदी आवाज बुलंद करते हैं चकते हैं दुख रोंदे अपना, तो तुसी आप दे लोग लानता पाउण लग जाने हो, की सोच के गल करते हो। सो मैं निम्रता सहित बेनती करदा पंजाब के समुची सिख कौम नूं कि इन्हां दोस्तां दे उत्ते सख्त तों सख्त कार्रवाइयां कीतियां जाण, इन्हां नूं सोधे लाए जाण, पुलिस के हवाले देने की बजाए इन्हां नूं चटकाया जाए ता जो अगे होर पता लगे। आ हजे कल की गल है, असी वह गल नपदे रह गए हाँ कि गोलेवाला पिंड फरीदकोट जिले के पैंदा जिथे एक दुष्ट आउंदा बेअदबी करके चल जाता है, तो पुलिस की कार्रवाई जिहड़ी कुछ क घंटे गिरफ्तार कर लिया जाता। पर गल यह कि इस केसा दे इन्हां दुखांतां का नबेड़ा की निकलना, दुख यह है नबेड़ा की कढ़िया जाऊगा, पागल कढ़िया जाऊगा, सिट्टा की निकलूगा, अपसैट सीगा घर दे डिप्रैशन करके गुरु घर की बेअदबी क्यों करदा। सो असी समुची कौम नूं बेनती करदे हां कि वध चढ़ के मरिंडा गुरु घर कोतवाली है जिहड़ा सिखां ने सिंघां ने रल के उत्थे जिहड़ा रोड जाम किया, प्रोटेस्ट शुरू किया, उहदे विच वध तों वध नेड़े दे सिंघ शमूलियत करन अते इस दुष्ट ते सख्त तों सख्त कार्रवाई की जावे। ते सरकार नूं वी एक गल की चेतावनी दिंदे हां कि पंजाब दा माहौल सिखावां रखण दे लई इन्हां दुष्टां दे उत्ते सख्त कार्रवाइयां कीतियां जाण ते कानून बनाए जाण, पंजाब दे विच किसे वी धर्म की बेअदबी ना होवे, आपसी भाईचारा सांझा जिहड़ी ओह बनी रहे, तां जाके पंजाब सुरक्षित रहूगा। नहीं पंजाब दे लोग इस देश नूं बचाउण लई जे कुर्बानियां दे सकदे आ तां पंजाब दे लोग अपना इष्ट बचाउण लई अपना आप वार सकदे आ। सो इह गल सरकारां नूं इत्थों दे सिस्टम नूं समझ आउणी चाहीदी आ कि ना सानू वार वार टोया जावे, ना सानू वार वार सानू परख्या जावे, साडे इष्टां दी बेअदबी करके साडे गुरु धामां ते हमले करके ना परख्या जावे, ते जे पंजाब दे लोग एकजुट होके परखण ते आ गए तां तुहाडों सांभिया नहीं संभूगा। हजे कुछ कु दिन पहला पंजाब दे नौजवानां नूं जेलां च बंद करके हटे हो, हुण पंजाब दे इष्ट दी बेअदबी, सिखां दे इष्ट दी बेअदबी ते उहनूं पागल कहा जाऊगा जां पहलां किहड़ा कीता नहीं 2015 तों लैके अज तक बेअदबियों दे उत्ते किहड़े दोषियां नूं सख्त सजावां मिलियां, हालांकि दोषियां नूं सिक्योरिटियां जरूर मिलियां। सो कानूनां दे विच सोध करके उहनां ते सख्त कार्रवाइयां कीतियां जाण, नहीं आने वाले दिनों च माहौल आ जिहड़ा सिखावां नहीं रहूगा। असी अपने गुरु प्रति सुहिरद आ ते सुहिरद रहांगे, असी अपने गुरु प्रति अपना आप निशावर करन नूं तैयार बैठे हाँ, सो निशावर अपना आप असी करांगे भी। सो इन्नियां बेनतियां सिख कौम दे चरणां दे विच इकट्ठे हो के उन्हां दोस्तां ते कार्रवाई करो। असी पहले दिन तों 2015
1 जून तो लेके अज तक जिन्ना गुरु साहब ने समत बख्शी योगदान पा रहे हैं, अगे भी जिथे भी लोड़ है असी वध चढ़ के अपना योगदान उत्थे पावांगे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बड़ा दुखांत पंजाब ने पिछले लंबे समय तो चलिया, किड्डी माड़ी त्रासदी होगी आ पंजाब दे सिख कौम दे विच। इन्हां दोस्तां वल्लों दिन ब दिन नवे दिन इदां दीआं घटनावां नूं अंजाम दित्ता जांदा है, ते असीं कोसदे रहिंदे आ सड़कां ते बैठ के इन्हां सरकारां दे तरले कढ़दे आ कि बेअदबी है, पंजाब दे लोकां दा दर्द है। अज तां बहुत वड्डी नीच हरकत हो गई है कि साडे उन्हां इतिहासक गुरु धामां दे अंदर दोस्तां वल्लों बूटां दे विच जाके जिथे कि असीं इक नंगा सिर नहीं लैके जा सकते, उस पापी वल्लों बूट पा के दरबार साहब दे अंदर वड़िया जांदा, ते ग्रंथी सिंह दे उत्ते हमला कीता जांदा, ते गुरु साहब नूं ठेस पहुंचाई जांदी है, सरूपां नूं ठेस पहुंचाई जांदी उन्हां दे। सो इत्थे प्रशासन दा रोल की रहना है? उन्हां ने तां कह देना कि पागल बंदा, पागल गुरु घर दे अंदर ही क्यों आउंदे आ? असीं पिछले लंबे समय तो इस दर्द दे नाल विलक रहे हां, तरले कर रहे हां। मोर्चा भी पिछले 1.5 साल तो इस गल दे लई चल रहा कि बेअदबियां दे उत्ते कानून बनाए जाण, इन्हां बेअदबी करन वालियां नूं सख्त सजावां दित्तियां जाण। जे 2015 दे विच जदों बेअदबी हुंदी है उहदे विच इन्हां दोषियों ते सख्त कार्रवाई कीती जांदी, तां जद इन्हां देखणा पैंदा, मजबूरन लोकां नूं स्टेप चकने पैंदे आ, मजबूरन लोकां नूं उहनां नूं सोधा लाउणा पैंदा जो कोई बेअदबी करदा है, ते बाद दे विच इत्थों दे तंत्र वल्लों, इत्थों दे सिस्टम वल्लों उहनां नूं पागल कह के बाहर कढ दित्ता जांदा। सो सिख कौम नूं हथ जोड़ के बेनती है, निम्रता सहित बेनती है कि साडे ही कुछ लोग जदों फेसबुक ते इस तरह की गल करदे आ, इह राजनीति करदे आ, इह पैसा बनाउंदे आ, उह लानता तुहाडे ते, तुसीं गुरू दे नां दे उत्ते गल करन दे उत्ते पैसे दी गल करदे हो। जिहड़े दो सरकारां बना गए उहनां ने कख नहीं कीता, जे आम लोग पंजाब दे लोग उहदी आवाज़ बुलंद करदे आ, चकदे आ, दुख रोंदे अपना, ते तुसीं आपदे लोग लानता पाउण लग जांदे हो, की सोच के गल करदे हो। सो मैं निम्रता सहित बेनती करदा पंजाब दे समुची सिख कौम नूं कि इन्हां दोस्तां दे उत्ते सख्त तों सख्त कारवाइयां कीतियां जाण, इन्हां नूं सोधे लाए जाण, पुलिस दे हवाले देण दी बजाए इन्हां नूं चटकाया जावे, तां जो अगे होर पता लगे। आ हजे कल दी गल है, असीं उह गल नपदे रहि गए हां कि गोलेवाला पिंड फरीदकोट जिले दे विच पैंदा, जिथे एक दुष्ट आउंदा बेअदबी करके चल जांदा, तां पुलिस दी कारवाई जिहड़ी कुछ घंटिआं दे विच उहनूं गिरफ्तार कर लिया जांदा। पर गल इह आ कि इस केसां दे इन्हां दुखांतां दा निबेड़ा की निकलना, दुख इह आ निबेड़ा की कढ़िया जाऊगा, पागल कढ़िया जाऊगा, सिट्टा की निकलूगा, अपसैट सीगा घर दे डिप्रैशन करके गुरु घर की बेअदबी क्यों करदा। सो असी समुची कौम नूं बेनती करदे हां कि वध चढ़ के मरिंडा गुरु घर कोतवाली है जिहड़ा सिखां ने सिंघां ने रल के उत्थे जिहड़ा रोड जाम कीता, प्रोटेस्ट शुरू कीता, उहदे विच वध तों वध नेड़े दे संघ शमूलियत करन, इस दुष्ट ते सख्त तों सख्त कारवाई कीती जावे। ते सरकार नूं भी इक गल दी चेतावनी दिंदे हां कि पंजाब दा माहौल सिखावां रखण दे लई इन्हां दोस्तां दे उत्ते सख्त कारवाइयां कीतियां जाण, ते कानून बनाए जाण, पंजाब दे विच किसे भी धर्म की बेअदबी ना होवे, आपसी भाईचारा सांझ जिहड़ी बनी रहे, तां जाके पंजाब सुरक्षित रहूगा। नहीं पंजाब दे लोग इस देश नूं बचाउण लई जे कुर्बानियां दे सकदे आ, तां पंजाब दे लोग अपना इष्ट बचाउण लई अपना आप वार सकदे आ। सो इह गल सरकारां नूं इत्थों दे सिस्टम नूं समझ आउणी चाहीदी आ कि ना सानू वार वार टोया जावे, ना सानू वार वार सानू परख्या जावे, साडे इष्टां दी बेअदबी करके साडे गुरु धामां ते हमले करके ना परख्या जावे, ते जे पंजाब दे लोग एकजुट हो के परखण ते आ गए तां तो सांभिया नहीं संभूगा। हजे कुछ कु दिन पहला पंजाब दे नौजवानां नूं जेलां च बंद करके हटे हो, हुण पंजाब दे इष्ट दी बेअदबी, सिखां दे इष्ट दी बेअदबी ते उहनूं पागल कहा जाऊगा, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ? 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀਆਂ। ਸੋ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਖਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦਾਂ ਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਰਹਾਂਗੇ,
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸੋ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ 2015 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਿਆ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਉੱਥੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।